गुड मॉर्निंग ओम। ये सेशन ऐसा है कि इसमें सब लोग जुड़ सकते हैं, सब लोग करें, सब लोग निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी टाइम में बदलाव रहेगा, लेकिन 1.5 घंटे का 365 डेज रह गए, 365 दिनों के लिए लाइव रहेगा, जिससे मतलब जिन्हें प्राणायाम करना है और तंदुरुस्त रहना है उनके लिए ये डेली रहेगा, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का प्रोग्राम। 7 से 9 हो सकता है, 6 से 8 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है, 5:30 से 7:30, जो भी टाइम हम तय करेंगे, सब मिल के करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनुकूल हो ऐसा टाइम तय करके हम पूरा देश साथ में बैठकर योग करेंगे, जितने भी लोग चाहें। इस 7 दिनों में आपको अनुभव हो जाएगा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अच्छा जीने के लिए। पेट की सफाई मतलब आयुर्वेद, एरोबिक्स से जॉइंट्स खोले, बहुत प्राणायाम करें, आहार में थोड़ा बदलाव लाते हुए रोगों के अनुसार औषधि और जॉइंट्स प्रॉब्लम के अनुसार आसन, बस इतना ही ज़रूरत है। बाकी तो वेट लॉस करना है, वो सब बात अलग है। शुरू रखे थोड़ी कमर घुमाते रहे। जो लोग डेली आते हैं अच्छा भी लगता होगा। हम 10-15 मिनट शुरू करते हैं हल्की एरोबिक्स की एक्सरसाइज। हर कोई ये सेशन में जुड़ सकते हैं, हृदय रोग वाले हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे अस्थमा हो।
Yeah.
Thank you.
काले, थोड़ा एक्यूप्रेशर हो जाए। प्राणायाम टाइम बस। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रख दे। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठे, नहीं तो अर्ध पद्मासन या सुखासन पालथी मारकर आराम से बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखे। कमर गर्दन मस्तक सीधा रख। गर्मी के दिन है, थोड़ा आराम से श्वास ले, आराम से छोड़े। शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं जिन्हें आता है। अब तीन बार ओमकार करते हैं। ओम परमात्मा की आराधना भाव से याद करें। दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी श्वास अंदर। आंखें बंद रखें, धीमी गति में कपालभाति शुरू करें। गर्मी के दिन है, श्वास फेंकते रहे दोनों नासिकाओं से। शुरू रखें, संगीत में बाद में शुरू करता हूँ, थोड़ी बात कर लेता हूँ। एक तो डायबिटीज वालों के लिए शिविर 12 तारीख से 16 तारीख सुबह 7 बजे से 9 बजे तक है। 2 घंटा डायबिटीज वालों के लिए। इंसुलिन लेते हैं, फास्टिंग शुगर बहुत आता है, गोलियां सालों से खा रहे हैं। डायबिटीज में बदलाव जरूर आएगा। किसी का डायबिटीज 50 पॉइंट कम होगा, किसी का 50 से 100 पॉइंट कम होगा। इंसुलिन कम लेना पड़ेगा या तो बंद हो सकता है। तो डायबिटीज वालों के लिए शिविर ये 12 मई से 16 मई, तीसरा लॉकडाउन खत्म होता है तब तक, सुबह 7 से 9 बजे। दूसरी बात, जिन्हें घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, वेट ज़्यादा है, शरीर में तकलीफ होगी, एक्सरसाइज करते हुए, पैर घुमाते हुए, एरोबिक्स की एक्सरसाइज करते हुए, मैं कहता हूँ कि मालिश करो। मालिश करो तो मसाज
पेट की सफाई रखोगे तो कम से कम दर्द होगा। मैंने कल कहा था कि किसी भी प्रकार का बहन हो या भाई हो, दर्द है तो दो बॉटल लानी पड़ेगी, एक महाराष्ट्र नदी क्वाथ, दूसरी पूना नवादी क्वाथ। आराम देगी, राहत देगी, थोड़ी सूजन कम करेगी। जो कोई आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो अगर ठीक करना है तो ये सब करना ही पड़ता है। आप कोई दवाई की दो बॉटल मैंने कहा लाओगे तो मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं, कहीं से भी ले लो। पेट की सफाई रखनी ही रखनी है, कैसे भी करो। हमारे पास काढ़ा होता है स्पेशली बॉडी डिटॉक्सिफाई का, लेकिन वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो तकलीफ आएगी, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो। मैं शायद 1 घंटा करवाता हूँ खड़े खड़े एक्सरसाइज, या 45 मिनट, 30 मिनट, जितनी होती है उतना करना है, जैसा भी होता है उतना करना है। नित्य करते रहोगे तो बदलाव आएगा, मैं तो ये सिखाऊंगा। जहाँ पे कोई डॉक्टर का काम नहीं चलता है, वो वहीं पे हमें काम लेना है। आप बहुत जगह पे मेहनत करके आए हैं, तो जहाँ पे लाभ नहीं होता वहीं पे लाभ लेना है हमें, तो मेहनत तो करनी होगी। मैं 1 घंटा मेहनत करवाता हूँ तो आपको धीरे धीरे 4 घंटा मेहनत करनी होगी, अगर जब तक जीते हो चलते रहना है तो। अस्सी साल जिए, 100 साल जिए, 120 साल जिए, अपना काम खुद करते रहे। अगर ऐसा जीना है तो मेहनत होगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। चलो देख ले, कोई बॉटल बॉटल नहीं खरीदनी तो ऐसे नहीं चलता। त्रिफला चूर्णा, हरडे चूर्णा, हिमे चूर्णा नहीं खाना है, देख लेते हैं तो। अब देखते रहोगे, कर नहीं पाओगे। तो मैं जो यहाँ पे आपको करवाता हूँ, या तो औषधियों का नाम बोलता हूँ, मेरे घर में कुछ आने वाला नहीं है। गैप है तो मैं कहता हूँ सुनते जाओ। जब 4 बजे की एक्सरसाइज होती है, गैप वाले ये करे, गैप वालों के लिए ही करवाया 2 दिन, और तीसरा दिन भी वही करवाऊंगा, क्योंकि वो मोटापे वाले के लिए भी ज़रूरत होती है, कमर दर्द वाले के लिए भी ज़रूरत होती है। सुनते जाओ आप ध्यान से, जब मैं 2 से 4 बजे करवाता हूँ तब। कपालभाति शुरू रख, और आप मेरे साथ 1 महीने से हो, या 1.5 महीने से हो, या 2 दिन से हो, योग से जो लाभ होता है वो लिखते जाओ कमेंट्स में। आपको जो लाभ होता है वो लिखे, तो जागृति आएगी। तो जो अभी अपना दर्द मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं वो पढ़ेंगे तो उन्हें उत्साह जगेगा, अंदर से एक तमन्ना जगेगी कि लाभ भी मैं भी करके देखता हूँ, देखती हूँ बराबर। तो जिन्हें लाभ होता है वो जरूर लिखे। बाकी अभी कपालभाति शुरू रखे, बाकी तो ध्यान से सुनते जाए। मैं कहता हूँ वैसे करते जाए, जहाँ पे मेडिकल साइंस ने काम नहीं किया है वहीं पे काम होगा, होगा ही। आज तक हजारों लोग मेरे पास आकर ठीक होकर गए हैं, अच्छे होकर गए हैं, थके हारे लोग 11 दिनों की शिविर में। तो शुरू रखे कपालभाति, संगीत शुरू करता हूँ।
मेरे सांसों की रागिनी है तू, मेरे दोनों जहां।
गए हैं वो रुक जाए, बाकी सब 1 मिनट शुरू रखे, लंग थक गए हैं वो आराम से सांस ले, आराम से छोड़े। दूसरी बात, नए नए कपालभाति जो करते हैं, पेट पे दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, या छाती में जनजनाहट सी होती है, वर्टिगो यानी कि चक्कर सा आने लगता है, जो भी होता है, पीठ दर्द हो चाहे कमर दर्द हो, पैरों में खाली चढ़ना मतलब सुनापन लगे, जो भी होता है उसकी तरफ नहीं देखते हुए अगर चालू रखोगे तो ही रोगों से मुक्ति मिलती है, नहीं तो भूल जाओ, योग करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, लाभ जरूर होगा, मन चाहे उतना किया लाभ होगा, दिन भर प्रसन्नता रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, रोगों से मुक्ति नहीं मिल सकती, डायबिटीज की दवाई बंद नहीं हो सकती, इंसुलिन बंद नहीं होगा, जितना अच्छा लगा उतना किया। स्टीरॉयड का पंप दूर नहीं होगा, प्राण साधना नहीं की बराबर आधा घंटा, तो एलर्जी का पंप हो या अस्थमा का पंप हो, आपको अच्छा लगा उतना किया तो नहीं चलता, आपको पता नहीं कितना करना है, तो एक बार कहा जाए उतना करे और देखे कितना लाभ होता है। मन चाहे उतना करोगे तो स्फूर्ति बनी रहेगी दिन भर, रोगों से मुक्ति पानी है तो जैसा कहा जाए वैसा करना पड़ता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही करते रहे, बहुत थक जाते हैं तब थोड़ी देर रुक जाए, आराम से श्वास ले, आराम से श्वास छोड़े 1 मिनट के लिए, फिर से हमारे साथ जुड़ जाए, वो चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे एरोबिक्स हो, शरीर साथ नहीं देता, थोड़ा थोड़ा करे, रुक जाए फिर करे, रुक जाए फिर करे, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी गुजरने वाली है, रोते हुए ही। तो कपालभाति पूरा करे, एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं श्वास अंदर, धीरे से आंखें खोले, पैरों को सीधा करें। मैं 2000 पहले कपालभाति सीखा था, एक नासिका से 10 से शुरू करें 54 टाइम, दूसरी नासिका से 54 टाइम, दोनों नासिका से 108 बार, और अब ग्रेजुएट हो गए कपालभाति, ऐसे नहीं चलता, मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं खराब है, लेकिन ऐसे रोगों से मुक्ति नहीं मिलती। आधा घंटा करो कपालभाति, अभी गर्मी के दिनों में भी बाद में 10 मिनट कर दो चंद्रभेदी प्राणायाम, बहुत लाभ हो जाएगा। मैं करवाने वाला हूं जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, डेली 2 घंटा प्राणायाम, थोड़ा सा एरोबिक्स, थोड़ी सी एक्सरसाइज आंसर, बाकी प्राणायाम ही। देश भर के जिन लोगों को योग आता है उनके लिए ही होगा, वहम में जो रहते कि मैं योग करता हूँ उनके लिए, और जिनकी बीमारियां दूर नहीं हो रही है उनके लिए होगा। 2 घंटे में बीमारी में बहुत बदलाव होता है, मैं ऐसे योग करवाऊंगा, 15 दिन मेरे साथ रहकर देख लेना, जब मैं 2 घंटा का सुबह का कार्यक्रम रख करता हूं, करे थोड़ा बटरफ्लाई।
लोग बिजनेस के पीछे, जॉब के पीछे 12 घंटा देते हैं, कोई 18 घंटा देते, पैसों के ख्याल से, पैसा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इस शरीर के पीछे तो कुछ नहीं, बोले आधा घंटा तो बहुत हो गया। अरे आधा घंटा से 10 मिनट से कुछ नहीं होता, 1 घंटे से। जो रोग दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कंट्रोल कर सकता, दूर कर सकता, वो दूर करना है आधा घंटा में होगा। बहुत मेहनत करते हैं पैसों के लिए, मैंने भी बहुत की हुई है मेहनत पैसों के पीछे, और जब पैसा आ जाते हैं, मेरे पास भी आ गया, तब उसका खर्च, उसे खर्च करना है तो फिर दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए। अब शुरू करते हैं प्राण साधना, बैठ जाए पद्मासन या अर्ध पद्मासन में, हमारे योग में पहले है एरोबिक्स, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटा, जैसा शरीर, जैसे रोग। दूसरी है प्राण साधना, जब तक प्राण साधना आधा घंटा डेली नहीं होगी तब तक कोई रोग जाएगा नहीं, लिखना हो तो लिख के रख। बाद में कपालभाति का टाइमिंग होता है रोगों के अनुसार, गैस, एसिडिटी, कब्ज, डिप्रेशन है आधा घंटा, नहीं तो 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15। तो रोगों के अनुसार होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्राण साधना, आज 5-7 मिनट के लिए ऊपर की तरफ श्वास लेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास लेते जाए, पेट को अंदर खींचते जाए, चेस्ट फुलाते जाए, एक एक पसलियों पर तनाव आवे ऐसा श्वास ले, पूरा कंठ तक भर दे, रोके, जब मन करे छोड़े, बाहर रोके, फिर से लंबी गहरी श्वास। शुरू करते हैं प्राण साधना, बजती है आप डेली सुनते हो, लयबद्ध होती है, वो लयबद्धता के साथ जुड़ जाओ और श्वास वो गति से लेना शुरू करें, मस्त हो जाए ऊपर तरफ। ये जो हड्डियों की बनी एक एक पसली है, वो एक एक पसली पे तनाव आना चाहिए, पूरा पूरा प्रयत्न करें, पेट को अंदर खींचा हुआ रखे, अंदर रोके, सहज बने रहे, जब मन करे श्वास छोड़ने का थोड़ा सा पेट को ढीला छोड़े और श्वास बाहर छोड़ते जाए, पूरी श्वास बाहर छोड़ दे, बाहर रोके, सहज बने रहे, तब तक फिर से लंबी गहरी श्वास शुरू कर दो।
थोड़ा सा बदलाव करें, सांस लें, पेट फुलाए, बड़ा सा बड़ा पेट करने का प्रयत्न करें, लंबी गहरी सांस, पेट फुलाना है जितना भी बड़ा होता है, सहज बने रहे तब तक रोके, उसके बाद छोड़े, श्वास छोड़े, पेट अंदर जाए पूरी, श्वास बाहर छोड़ दे, बाहर रोके, सहज बने रहे तब तक, फिर से लंबी गहरी श्वास रख।
अब 1 मिनट ऐसे श्वास लेंगे कि श्वास जहां जाती है जाने देनी है। हमारा काम है सिर्फ दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी श्वास लेने का पूरा प्रयत्न करना है। हमें स्वयं नहीं पेट फुलाना, नहीं छाती फुलानी, जो भी करना है श्वास को करना है, प्राण शक्ति को करना है। पूरा श्वास लेने के बाद रोकना है 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी आप यथाशक्ति रोक सकते हो। उसके बाद छोड़नी है, पूरी श्वास बाहर छोड़ते जाए, पेट अंदर जाए। बाहर छोड़ने के बाद 2 सेकंड 5 सेकंड यथाशक्ति बाहर रोकनी है, फिर से लंबी गहरी श्वास लेनी है। 1-2 मिनट शुरू करते हैं।
एक बार ओम परमात्मा की आराधना, श्वास अंदर आंखों पर रखे, धीरे से खोल दे। थोड़ा बटरफ्लाई करे, 2-3 मिनट ही, लेकिन अनुभव में लोग करेंगे। से 5 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, टाइम हो गया है। विधि से जो करना जा करने जाते हैं थोड़ा थोड़ा, एक बहुत मतलब 10-20% विधि से कर रहे हैं, 10% थोड़ा थोड़ा, फिर भी विधि से करने जा रहे हैं तो टाइम निकल जाता है। तो बैठ जाए पद्मासन, अर्ध पद्मासन में, और शुरू करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नासिका बंद करें, लेफ्ट नासिका से लंबी गहरी श्वास ले, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से छोड़े, राइट से श्वास छोड़ी तो राइट से वापस श्वास लंबी गहरी, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से श्वास छोड़ी तो लेफ्ट से श्वास ले और शुरू रख। एरोबिक्स किया, पेट की सफाई, प्राण साधना, कपाल भाति, और उसके बाद अनुलोम विलोम। जितना आपके पास समय है उतना करें, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट करके देख ले, 15 दिन। मैं तो कहूंगा हर एक मनुष्य जिन्हें किसी न किसी रोग की तकलीफ है, आधा घंटा करके तो देखे, क्रमबद्ध, पेट की सफाई, एरोबिक्स, प्राण साधना, कपाल भाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम दे। आप जिंदगी भर दवाई खाते हो तो महीने भर करने में क्या हर्ज है? आधा घंटा अनुलोम पे, अभी तो हम 2-3 मिनट के 5 मिनट करेंगे शुरू। रख जो वेट लॉस शिविर में आते हैं उन्हें तो ये सब प्राणायाम का टाइम देना ही देना है, नहीं तो हमारे साथ वेट लॉस पे मत जुड़ो, किसी और के साथ जुड़ जाओ। मैं सूर्य नमस्कार नहीं करवाता, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से पहले 15 दिन मेहनत करनी होती है, उसके बाद सूर्य नमस्कार होते हैं, सीधे नहीं होते। मैंने किसी को भी आज तक सही ढंग से सूर्य नमस्कार करते हुए नहीं देखा। अगर समझो कि बाबा रामदेव सही करते हैं तो सही कैसे किया जाता है ऐसा सिखाने वाला आज तक मैंने कोई नहीं देखा। और सही सूर्य नमस्कार करना है तो 15 दिन पहले सब मेहनत करनी होती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई के साथ एक एक जॉइंट्स को खोलना विधि से होता है, तो मैं सूर्य नमस्कार नहीं करवाता।
एक तो अभी आप 300 400 लोग हैं मेरे सामने, या तो 500 हो सकते हैं। तो इतने लोग प्राणायाम में रुचि ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, सराहनीय है। मुझे तो लगता था कि जब मैं प्राणायाम करवाऊंगा 50 लोग हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो जो प्राणायाम में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे लोग हमारे साथ टीचर ट्रेनिंग में जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगे। अपने परिवार के लिए जुड़े, पहले अपने परिवार को निरोग करें एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद। तो अपना आपका परिवार निरोग रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसे योग कैसे सिखाया जाए, कि कैसे कितना किया जाए वो आपको पता चलेगा। तो जिन्हें प्राणायाम में रुचि है वो खास करके टीचर ट्रेनिंग में जुड़े, क्योंकि प्राणायाम से ही रोगों को हम दूर कर सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। एरोबिक्स से, एक्सरसाइज से, आसन से हम रोगों से मुक्त बिल्कुल कभी नहीं हो सकते। जरूरी है एरोबिक्स से, एक्सरसाइज, आसन सहयोग देते हैं, जरूर बहुत सहयोग देते हैं, कोई रोग को दूर नहीं कर सकते। प्राणायाम से आप अकेले प्राणायाम करोगे तो भी पूरी तरह से रोग मुक्त नहीं होते। प्राणायाम से शरीर के भीतर प्राण शक्ति प्रविष्ट होती है, रास्ता तो खुला होना जरूरी है। तो पहले रास्ता खोलते हैं और प्राणायाम करोगे तो ही प्राण शक्ति शरीर के भीतर प्रविष्ट होगी। तो एक सिक्के की दो बाजू है, ये सब करना होता है। तो जो निरोग रहना चाहते हैं और अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को निरोग रखना चाहते हैं, या तो देश के लिए योग करवाना चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो अपनी उम्र लिखे, आप क्या काम करते हो वो लिखो, अपना पूरा एड्रेस लिखो और क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहते हो वो लिखो। अभी कमेंट्स में भी लिख सकते हो आप, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, मेरा पर्सनल, फ़ोन मत करना, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा। नाइन वन जीरो 6500115। ये मेरा नंबर है। और 12 तारीख से डायबिटीज वालों के लिए शिविर है, 5 दिनों की, सुबह 7 से 9 बजे। डायबिटीज़ वालों को डेली क्या करना चाहिए, डायबिटीज़ योग से कंट्रोल रखने के लिए साथ में थोड़ा आयुर्वेद का सहयोग ले। अभी 11 दिनों में, मतलब दीपावली के बाद, एक बहन जी अमेरिका से आई थी, उनका फोन था मुझे 2 दिन पहले, बहुत खुश थे पति पत्नी दोनों, खुश है
कि उनका जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल नहीं होता था 90 रहने लगा, बिना एलोपैथिक दवाई। जो आफ्टर मील आफ्टर डिनर खाने के बाद का शुगर है वो कंट्रोल नहीं होता था, वो 120 रहने लगा। तो वो बहुत खुश है, वो बोल रहे थे कि मैं एक वीडियो क्लिप भेजूंगी, अगर वो भेजते हैं तो मैं आपको ये ओम योगपीठ सूरज के पेज पर रख दूंगा। तो वो हिसाब से आप भी अगर डायबिटीज शिविर में जुड़ना चाहते हो, या तो डायबिटीज व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हो, तो भी मैं दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नए उनकी लिंक रख दूंगा कमेंट्स में, डायबिटीज वालों के लिए। ऑलरेडी 3 ग्रुप तो बन चुके हैं। देखिए, आप बहुत कुछ मांगोगे व्हाट्सएप ग्रुप में, सब कुछ कहने के लिए मतलब कह भी नहीं पाते, ऐसे ऐसे आप सवाल करते हो, कोई बात नहीं करते हो, लेकिन जो मुझे योग्य लगेगा उनका जवाब दूंगा। तो दो लिंक रहेगी, डायबिटीज़ की, एक डायबिटीज़ शिविर की। दो लिंक डायबिटीज़ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी, दो ग्रुप नए बनाकर रख दूंगा मैं कमेंट्स में, और एक रहेगी डायबिटीज़ शिविर कब है उनका, जो मैंने पोस्ट किया है उनकी। और आपको कमेंट्स में लिखना है आपको जो लाभ हुआ है वो, या तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एज ए टीचर, या तो ट्रेनिंग लेना चाहते हो, हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हो, अपने परिवार को योग करवाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को योग करवाने के लिए, अपनी सोसाइटी के लोगों को योग करवाने के लिए, या तो अपने शहर के लोगों को, तो वो देश के लिए हो गया। अपने परिवार को करवाते हो, रिलेटिव्स को करवाते हो, तो भी देश के लिए हो गया। लेकिन योग सिखाते हुए पैसा नहीं लेना है तो ही जुड़े, नहीं तो मत जुड़े। तो खास अभी आपको जो लाभ हुआ है योग से वो जरूर लिखें। हमें योग पूरे हिंदुस्तान को करवाना है, विदेश वाले करें तो अच्छी बात है, तो पूरे विश्व में जाएगा, वो चाहे चाइना वाले हो, चाहे बांग्लादेश वाले हो, चाहे अफगानिस्तान वाले हो, चाहे पाकिस्तान वाले हो, चाहे किसी भी देश के लोग हो। हमें सबको योग करवाना है। हमें कभी किसी के प्रति अभाव होता ही नहीं। लोग आकर जैसा भी व्यवहार करके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, वो हमारा देश है, हमारा एक परिवार है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो तकलीफ होती है। वो कोई भी हो, पड़ोसी देश हो या दूर का देश हो, क्या फर्क पड़ता है। बाकी किसी के भी प्रति अभाव नहीं होता। हर कोई हिंदू योग करे, मुस्लिम योग करे, सिख योग करे, ईसाई योग करे, सब लोग करे, हमें तो सबको करवाना है। तो ये जागृति तब आ सकती है अगर आप, आपको जो लाभ हुआ है वो लिखे। या तो आपको टीचर बनना है, टीटीसी में ज्वाइंट होना है, तो मुझे
आपको सब लिखना है, लिख कर भेजना है, मैं आपको जोड़ दूंगा। टीचर ट्रेनिंग का हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 100 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उसमें भी जाकर मैं ऐसे मतलब बुला लूँगा, ऐसे नहीं, आपकी पूरी डिटेल मांगूंगा। तो 2-3 लोग चले गए, मैंने डिटेल मांगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नीति नियम रहते हैं वो रहते हैं। और मैं देश के लिए, मतलब देश के लिए कहो या मेरी ये सोच है कहो, या तो मुझे शौक है कहो, मैं अब लाइव 2 घंटा लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही, जनजीवन जब सामान्य हो जाए, तब भी डेली सुबह में 2 घंटा सबको योग करवाऊंगा। योग की जागृति के लिए प्राणायाम ज्यादा होगा उसमें, और ज्यादा से ज्यादा लोग योग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो, ऐसा मैं करवाऊंगा लाइव डेली 2 घंटा करने दे अगर फेसबुक वाले तो 2 घंटा, नहीं तो 1.5 घंटा। तो लाभ होता है वो लिखोगे तो ही जागृति आएगी। आपको तकलीफ है वो लिख रहे हो, कोई बात नहीं, उसके ऊपर मैं योग करवाता हूँ। जो आपको तकलीफ है वो आप लिखते हो वो भी मैं पढ़ता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ वो बात अलग है, लेकिन उसका अमल हो जाता है। आप जो तकलीफ है वो लिखते हो, मैं पढ़ता हूँ सेशन पूरा होने के बाद, वो हिसाब से योग करवाने का प्रयत्न करता। जो टीचर में जुड़ना चाहते हो वो मुझे पूरी डिटेल भेजे, उम्र, नाम, मोबाइल नंबर, आप कहाँ से हो, किस सिटी से, किस स्टेट से, क्योंकि हर कौन सा सिटी कौन से स्टेट में है पूरे इंडिया के वो भी मुझे पता नहीं है, और विदेश से हो तो कौन से देश से हो, क्योंकि बहुत सारे विदेश वाले भी जुड़े हैं टीचर ट्रेनिंग में, हमारा जो ग्रुप है उसमें। और टीचर ट्रेनिंग में उन्हें ही जोड़ना है जो योग सिखा के पैसा ना ले, उन्हें ही पैसा लेना चाहते हो भविष्य में तो हमारे साथ मत जुड़ना, कहीं और जाके ट्रेनिंग लेकर वो करना। अगर ये भारत भूमि पर जन्म लिया है और उसका कुछ ऋण चुकाना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ही हमारे साथ जुड़े, नहीं तो मत जुड़े। पैसों की खातिर अगर आप जुड़ना चाहते हो मत जुड़। तो दोपहर को 4 बजे, 4:15 बजे लाइव रहेंगे मेरी टाइम लाइन पे, फेसबुक पे, योग गुरु मनु भाई ढोला। अगर आपको सीधा लाइव अपने होम पेज पर फेसबुक पर चाहिए तो मुझे फॉलो कर लो, तो वो सीधा आपको, जब भी आप फेसबुक खोलोगे 4 बजे सीधा मैं दिखाई दूंगा लाइव, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं किया है तो मेरी टाइमलाइन पे जाना होगा और बाद में आप लाइव में जुड़ सकते हो। सीधा ही जुड़ना है, फेसबुक खोलो, सीधा लाइव देखना है तो मेरी टाइमलाइन को फॉलो करना होगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके होम पेज पे लाइव आ जाएगा।
और हमेशा फॉलो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बाद में शिविर खत्म हो जाए अनफॉलो कर देना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि हाँ मुझे फॉलो करोगे तो ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। इतना पैसा भरोगे तो ही दिखाई दे, ऐसा नहीं है, फ्री है। तो सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग प्राणायाम के लिए 350-400 लोग अंत तक बैठे, या तो 500 लोग बैठे होंगे, जो भी है बहुत अच्छी बात है। 500 के 5,000, 5,000 के 5 लाख लोग हो सकते हैं। जब तक मेरी भावना अच्छी रहेगी तब तक बढ़ते जाएंगे, लाभ होता जाएगा। मेरी भावना अगर अच्छी नहीं रही तब सब टूटता जाएगा। तो 4:15 बजे फिर मिलते हैं मेरी टाइमलाइन पे, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अस्तु।